गुड डे एवरीवन, वेलकम टू टेक अ स्टेप। टेक अ स्टेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बैंकॉक से पटाया कैसे जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो उस बारे में है। हमने बस के थ्रू गए थे जो कि ज़्यादा समय नहीं लगता। बस तो हमने मोचिट टर्मिनल से ली थी जो कि एक बस टर्मिनल है। यहाँ से काफ़ी सारी बसेस बैंकॉक से बाकी सारे लोकेशंस पर जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने देखा कि हर काउंटर अलग अलग बना हुआ है, तो ये पटाया का काउंटर है जहाँ पे सारा दिन भर का बस का टाइमिंग्स मेंशन है। ऑन द स्पॉट बस की टिकट अवेलेबल हो जाती है, अगर अवेलेबल है, नहीं तो आपको नेक्स्ट टाइम वाली लेनी होगी। तो हो सकता है आपको शायद ना मिले, तो आप एडवांस में टाइम से पहले पहुँचेगा। बस का किराया बस की कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम गए थे 128 बात था और बस कंफर्टेबल थी, एसी वाली बस थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से स्मूथली पहुँच गए और बस का सफ़र भी अच्छा एक्सपीरियंस था। बस टर्मिनल में आप जैसे कि देखेंगे कि बाकी सारे शॉप्स भी अवेलेबल है, 7-Eleven है जहाँ पे सब कुछ मिल ही जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि बस टर्मिनल पे मोबाइल चार्जिंग के स्पॉट्स थे जहाँ पे आपको शॉप्स थे, आपके हिसाब से जितना आपको चार्ज करना है 20 बात के हिसाब से चार्ज लेते हैं, वैसा यहाँ पे लिखा हुआ था। और कहीं के लोकेशंस पे इंफॉर्मेशन काउंटर है, अगर हेल्प के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए तो अलग से सेक्शन बना है टूरिस्ट के लिए। और वेंडिंग इन्फॉर्मेशन भी है जहाँ पे टिकट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे आपको टिकट का अपना बस के बारे में या फिर टिकट का जो नंबर है वो टाइप करके आपको पता चलेगा, जैसे कि हमने इसको ढूंढने की कोशिश की थी। बस टर्मिनल काफ़ी वास्ट है और वहाँ पे काफ़ी चेयर्स है बैठने के, और आप ऊपर बस के टाइमिंग के हिसाब से लोकेशंस के अलग अलग काउंटर, जैसे कि प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, जो आपके टिकट पर लिखा हुआ रहता है, जो आपको मिलेगा जैसे टिकट लेने के बाद, उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। तो ये था पूरा वीडियो। आगे का वीडियो हमने बताया है कि पटाया जा उतर के वहाँ का व्यू कैसे था, तो आगे का वीडियो उस बारे में है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच।
है।